तो सूरत देखें कितनी वीआईपी है, देखें है। मैंने कहा कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह शीशे की तरह चमक रहा है। हाँ जी, अभी लगता है पॉलिश हुआ है ना, हाँ पहले नहीं लगता था। पहले नहीं लगता था, अभी यानी कि पॉलिश ना मैंने तीन बार पॉलिश मरवाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुरात रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब की दुआएं हैं। सदके 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 शहजादियाँ सामने कारगिनो जेड़ा कुछ करें दो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, यार जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब भाइयों की दुआ है। तो अभी जो है शाम का टाइम है और अच्छा आगे और मुझे ना इतनी नींद आई हुई, इतनी नींद ना बहुत ज्यादा, मैं सोच रही हूँ कि चुप करके सो जाए, लेकिन मैं सुकून नहीं करने दे रहा अच्छा हर टाइम ना इनको नींद की पड़ी रहती है, एक तो मंदा होता है, कोई काम काज करता है, कोई सारा दिन सोई हूँ, मुझे ये बताओ ये मैंने इसको कभी मारा नहीं ना, इसलिए यह चार ही हो रही है। अब एक मारेगी दो जलेगी। आज से मेरे तमाम बहन भाई मेरे साथ हैं, क्योंकि हमेशा ये मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे मारती रहती है। तो अभी जो है ना, हाँ आज से ना इसको कोई रियायत नहीं है, एक मारेगी दो मारूंगा ऐसे ऐसे ऐसे। सीरियस क्यों थी मैंने, मजाक में मारती है तो फिर सीरियस क्यों हो जाती है जब मैं मारता हूँ? होटल पे जा रही जी, उठो तैयारी करो। मैं तैयारी की हुई जी, ठीक है फिर मैं आलू मटर ले आता हूँ, तो इंशाल्लाह अभी रेसिपी नहीं हमने बनाया जो आलू शाम आलू खा खा के तुम मोटे ताजे नहीं हो गए हो आलू मटर खा के? हाँ अम्मी कहते कुछ ना बनाओ, सालन रखे सुहाजने वाला। हाँ तो वो खा लो बस, लास्ट सुहाजना बना लो। अम्मी से पूछते हैं, अम्मी जी आज क्या बनाए? मैं आके कुछ ना बनाओ, वो सुहाजने ये छोटे लड़के की बेटी है। आज खमीर जुमरात है वाला, वो डिनर वो जुमरात, दो दो घरों से जुमरात भी आती है। आज तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। नहीं आप कुछ बना लो नाना, सुहांजना सुबह नाश्ता नहीं करोगी? तो मैं सुबह ताजा बना लूंगी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। देखो काल उठा वाला दे आते मुझे आप मारोगे मैं मार दूंगी। नहीं मैं नहीं मार नहीं रहा यार, हाथ ऐसे कर रहा था, मुझे पता है ये मारी रत्ता लाल हाथ हो गया। हसन बुला रहा है आपको। वो बाबा जी, बाबा जी नहीं करता, अबू जी करता है। अबू जी, अबू जी, अबू जी, अरे सबके माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बात से बचाए। तो अभी मैं चलता हूँ न्यू घर में, आपको काम दिखाता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। काम काज अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त चल रहा है। अभी देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा जो है वो शाइनिंग नज़र आ रही है मार्बल के ऊपर, क्योंकि अभी जो है लास्ट उन्होंने पॉलिश की है, धोया है साबुन से, और उसके बाद पॉलिश वगैरह आप भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको मज़ीद चेक करवाऊंगा कि फर्श कैसा हो चुका है। और कल जो है अगर ये आज मुकम्मल करते हैं तो कल हम अपने इस न्यू घर की मुकम्मल तौर पर हम सफाई करेंगे, सारे कमरों की वन टू ऑल कमरे जितने भी हैं सबकी सफाई करेंगे, और उसके बाद इनकी पेमाइशें करेंगे, फिर हमारी शॉपिंग शुरू हो जाएगी न्यू घर की।
किधर आए थे? कैमरा लेके भाग गया? नहीं, कहाँ जा रही है ये? हाँ वही पूछने आया हूँ ना, किधर गई थी? गई नहीं थी, आई थी। ओ सॉरी, किधर? मैंने कहा सॉरी यार, मतलब मेरा मकसद ये है कि क्या करने जा रही थी? वो बेबो की साइकिल खड़ी थी सड़क पे, तो हम देख रहे थे, फिर जब हम हसन की खेल लगे, फिर जो देखा साइकिल नहीं थी। वो पहले ऐसे किसी ना किसी के घर में होती है। पूछ रही हूँ कि इधर ले तो नहीं आया, फिर ढूंढ रही हूँ या बेबो तो नहीं ले गया। अभी देख लो, शाइनिंग आ गई है मार्बल में। बहुत प्यारा लग रहा। चलो शुक्र है। क्या हुआ? मतलब माशाल्लाह कह दिया। हाँ तो मैं माशाल्लाह ही पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है, जो जल्दी करती हूँ माशाल्लाह। चलो आ जाओ, अभी बाहर पॉलिश कर रहे हैं, अंदर वाली साइड की है अभी। अच्छा। वो देखा, अंदर फर्क है बाहर फर्क है। कैसे बाहर? हाँ अभी प्यारा लग रहा है। घर तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया है, अल्लाह पाक सबा के नसीब में करे, सबा के नसीब में करे। चलो यार, हम दोनों के नसीब में करें। आमीन। खुश ही नहीं सही। आमीन तो क्या, हंसी तो और क्या करूं। आके रहे हम, आमीन। मरे हैं देख क्यों यार पहले। एक बात की बात कह रहे वेली भी खड़ा नम दे देखूं। हसन अभी तक सोया हुआ है आपके पास? मैं तुम्हारा शुक्र है जी मिल गई। कहाँ, किसके घर थी? अकरम भाई के घर। अच्छा, मैंने कहा तो है किसी न किसी के घर में होती है। नहीं, वो भाई थे जहाँ पे, हम देख रहे थे शायद अकरम भाई और भाभी यहाँ से आए तो ले आए। हसन खाला, अभी आपको बुला रहा था, अब किया सारा, ये देखो थूके हैं इसके। इतनी जोर से बुलाया? हाँ। मुझे उधर, मैं जब अभी न्यू घर में बैठा था ना, तो मुझे एक बच्चे की आवाज आई ऐसे अबू। अब मुझे ये समझ नहीं लगी कि हसन बुला रहा है या कोई और है। हाँ। अबू अबू। ये देखो मच्छरों ने काटा हसन को। हसन को? आप कहाँ पर थी जब मच्छर आ रहे थे? रात को नींद आ जाती है शायद, ये अभी जो पलंग पे सोया ना। पंखा भी चलता है यार। रात को नहीं काटा, अभी काटा है इन्होंने। अच्छा। पंखा भी चल रहा था दिन को। अच्छा। जी प्यारे बहन भाइयों, मिस्त्रियों ने अंदर काम किया और मैंने जो है वो बाहर काम किया। ये मेरे पास भी है तो मैं अभी बाहर लगा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ पानी शानी यहाँ पे खड़ा था तो सारा मैंने पानी जो है वाटर में गिराया, यहाँ पे कुछ सफाई की। अभी ना इसको धोएंगे तो धो के फिर VIP कर देंगे। और इधर ताहिर साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत क्या ठीक है जी? और इधर आ गए हैं तौफीक, और बेबो भी उससे चिमट गया क्योंकि ये बेबो का दोस्त है ना, इस वजह से। हाँ बेबो, बेबो आप खुश हो? हाँ, ओ खिलदी खिलदी, ओ खिलदी। सीरियस हुआ खड़ा है अभी। जी असलम भाई वाले भी आ चुके हैं। खैर है जनाब, कहाँ गए थे? ये कंप्यूटर सेट कराने हैं। अच्छा, कंप्यूटर दोबारा बनवा रहे हो? है ना लड़के का। अच्छा, बन गया? सही है। और आप क्या बनवाने गई थी? मैं भी इनके साथ गई थी कंप्यूटर बनवाने। मतलब ये आप बाहर भी जाते हैं तो आप साथ ही जाती हो? हाँ जी। क्यों मुझे जो है बेइज्जती करवाते हो हर टाइम? वो मेरी वाइफ देखती है ना, चित्ती हो जाती है। मैं भी जाऊं। वो पता क्या कहती है, असलम भाई भाभी भाभी के पास ना भेज रही थी पता नहीं किसको, तो कहती भाभी क्या नाम है यार, भाभी साहिबा को जाकर कहो धनिया काट दे। मैंने कहा वो तो असलम भाई के साथ चली गई। कहती कहाँ? मैंने कहा पता नहीं, कह रहे थे कहीं घूमने फिरने। कहता इसके मजे लगे हुए हैं। मैं कहा हाँ तू? कहती हमारा तो नसीब ही सड़ गए। हाँ, तो फिर आप लेकर जाए ना उसे कभी। मैंने कहा हमारी तो मजबूरी है, काम जो चल रहा है। मैंने कहा फ्री हो जाए, इफ्तिताह कर लें घर का, उसके बाद फिर जब हम
हमारा घर बनेगा ना फिर भी हम भी ऐसा ही करेंगे ना। हाँ साहब जरा जब फिर हम घूमेंगे आप फिर त्रस्ती रहना। हाँ फिर मैं भी इसे ऐसे बोलूंगी। चले तो जी जैसे मिस्त्री गए तो इधर मैडम जी आ भी गई है माशाल्लाह। कांग्रेचुलेशन आपको सबसे पहले तो गुड एडवांस मुबारक जी, आपका घर जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। और ये शाम का मंजर है माशाल्लाह, पीछे देखें तो सूरज देखें कितनी VIP है देखें। पाँव धुले हुए है ना, ठीक है गुजारा करेंगे। वैसे कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा है, मैंने कहा कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, शीशे की तरह चमक रहा है। हाँ जी अभी लगता है पॉलिश हुआ है ना। हाँ। पहले नहीं लगता था, पहले नहीं लगता था। अभी यानी कि पॉलिश ना मैंने तीन बार पॉलिश मरवाई है साथ, इसलिए तो अभी यहाँ तक खड़ा रहा इतनी देर यहाँ पे। उधर घर भी नहीं आया मैं। वो साइडों से कलर तो उतार देता। साइडों पे कौन सा कलर? तो ये साफ जहर है, वो मशीन जब साथ लगती है ना तो फिर साफ जहर है, कलर तो होता है ना इससे। ये सूख जाएगा ना? नहीं नहीं, मतलब सफेद कलर निकल आया इसमें। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मशीन में नहाने वाला साबुन डाला था? हाँ लैक्स डाला था, कहता लैक्स ले आओ। मैंने कहा लैब बॉय नहीं चलेगा, कहता नहीं। सफाई ज्यादा रखता है इसी वजह से। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों अभी देखें कि इस घर में सबा मैडम कैसी लग रही है, आपने जरूर बताना है। नहीं पहले आप बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत जी बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही हो। और अभी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ऐसे घुमाना, ये देखें माशाल्लाह तो पूरा घर आपके सामने आ रहा है जी। तो पूरे घर में अगर कोई कमी पेशी है तो आप बता सकते हैं। किवें सबा जी? बिल्कुल, अब सिर्फ हमारी सफाई रहेगी। कितने 6-7 कमरे रह गए हैं सफाई करने के लिए। वैसे मैं सियाणा हूँ कमी पेशी का, तो मुझे भी पता है कि साइडों में ना बॉर्डर लगते होते हैं मार्बल के। ये जब मार्बल लगा था ना उस टाइम, अगर ये बॉर्डर लग जाते 1-2 मतलब चारों साइडों पे बॉर्डर लग जाता ना तो और ज्यादा प्यारा। और ये जैसे ये खराबी हुई है ना सबा, ये ना होती। और पानी वगैरह धोते कुछ भी, ये साइडों में आपको कुछ भी ना होता। हाँ इतने इतने तक। हाँ वो एक एक टाइल का बरल बॉर्डर लगता है, दो भी एक एक जितनी आपका दिल करे। हाँ अभी तो लग भी नहीं सकता क्योंकि ये वाला जो हमने, ये उन्होंने जो मेहनत किया है ऐसे नरम मुलायम कर दिया है। अब इस पे कोई अच्छा कोई नहीं, जब इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो अगले साल जब मतलब कलर वगैरह या खराब हुआ तो कलर करवाएंगे ना, तब हम दोबारा से। अल्लाह ना करे ये एक साल में खराब नहीं होता जो हुआ पड़ा। ये तकरीबन कहते हैं 8-10 तो वैसे कहीं नहीं जाता अगर हिफाजत की जाए अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे और भरपूर सब कोशिश करेंगे। सब बहन भाई कहते हैं माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है, बस सब आप हिफाजत करें तो इंशाल्लाह। सब अकेले नहीं करेगी, अहमद भी साथ साथ लगेगा इसमें इंशाल्लाह, क्योंकि सब बच्चे संभालेंगे या इसकी सफाई करेंगे तो साजर है अहमद को साथ देना पड़ेगा। तो प्यारे बहन भाइयों अभी हमने जो कल जो है हमने सारे रूम्स को हमने धोना नहीं है, सारे रूम्स में लगाना है पोचा। पोचा लगा के दूसरा पोचा ले आओ ना पोचा। हाँ यानी कि मार्बल पे उन्होंने कहा आपको ना, उन्होंने कहा वास्ता है इस पे मिट्टी नहीं आनी देनी, आपने हर टाइम इसको साफ रखना है ऐसे, जो भी आए ऐसे पड़ा हो। फिर चलते हैं कल शॉपिंग पे, जो जो मेरा सामान है जरूरत का फिर ले आते हैं। फिर जो है इंशाल्लाह वादा करते हूँ कभी मिट्टी नहीं आने दूंगी और भरपूर कोशिश भी करूंगी। तो ये वाला कमरा और वो किचन हो गया, ये पौड़ी हो गई, ऊपर छत हो गई, ये वाला लाइन में कमरे हो गए, वॉशरूम वगैरह, बाथरूम, बैठक, ये सारी चीजों की सफाई हम कल, हमने ये घर कंप्लीट करना है ठीक है। कल जब हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद परसों वाला दिन हमने शॉपिंग पे निकल जाना है। सोची? हाँ जी, शॉपिंग का मतलब है कि सारे कमरों की कालीने वगैरह, तकिए वगैरह ठीक है, उसके अलावा फिर मतलब यहाँ पे 2 रक्षे आ जाएंगे ऐसा? हाँ 2-3 नहीं 3 रक्षे तो सोफे सेट के आ रहे हैं। अल्लाह 3 वो आए, फिर 2 मेरे ख्याल में
एक कलीन का है, कलीन है तो हाँ कलीन का एक रक्षा आएगा तकरीबन, फिर तक ये अगर हाँ। वो मोले वाले लेने हैं तो वो उनका भी एक आएगा हाँ। फिर अभी तो मतलब मोटा मोटा सामान है, जब फिर छोटे वाले हम बर्तन किचन की मैं किचन की जब शॉपिंग वगैरह करूंगी तो उसका तो अलहदा हो गया ना। बिल्कुल, फिर उस कमरे के लिए जो मैंने बर्तन वगैरह लेने हैं उसकी तो अलहदा होगी ना। अभी बहुत सारा काम रहता है सर जी, बहुत सारा है। तकरीबन मेरी कोशिश ये है जितना मर्जी काम रहता है, मैंने माह रमजान में रोजे रखने हैं इस घर में, ठीक है, और इस घर में हमने अफतारियां करनी है, इस घर में हमने सहरियां करनी है, ठीक है, सारा कुछ हमने कोशिश करेंगे। हमने इस माह रमजान में तकरीबन मैं माह रमजान से ना एक हफ्ता पहले हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज क्या तारीख है वैसे? तकरीबन 7-8 हो गई होगी, मतलब के तकरीबन मेरे अंदाजे से, क्योंकि मुझे नहीं पता, 20-22-23 दिन इतना रह गए हैं बस, 20 दिन लगा लो हाँ, बस 20 दिन, हम 10 ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में हो जाएंगे सारे। हाँ, मेरे ख्याल में अगले एतवार तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारा नमाज रूम होगा हमारी इबादत करने के लिए इंशाल्लाह। जैसे लिखा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस नमाज रूम में हम जब रोजे रखेंगे, इस नमाज रूम में हम दिन गुजारेंगे। आज वो कुरान पाक वाला आया हुआ था, तो दो कुरान पाक अम्मी और अबू जो पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा 2-3 और न्यू ले लेते हैं। वो तो जब इंशाल्लाह मैं इनकी, मैंने कहा अच्छा वैसे तो हफ्ते के हफ्ते आता रहता है, फिर बाद में ले लेंगे। हाँ, तो इंशाल्लाह जब ये शिफ्टिंग करेंगे ना उसमें, फिर इसकी रखने की अलमारी वगैरह भी, हाँ वो छोटा सा शोकेस या अलमारी वगैरह, या फटियां वगैरह छोटी जो मिलती हैं। हाँ, नहीं फटियां 3-4 रख के उस फटियों में हम शीशे वाला लेंगे शोकेस। अच्छा, और ताकि मतलब धूल वगैरह भी ना हो कुरान पाक में के ऊपर, और जो छोटी मतलब किताबें अब्बू की हदीस वगैरह है वो भी जो है ना हम उसमें रख देंगे। हाँ, अलमारी बनवा लेते हैं। बिल्कुल, तो मतलब ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी वाली। हाँ, छोटी सी अलमारी बना के नमाज रूम में रख देंगे, कुरान पाक जो भी हो वो उधर रखेंगे। हाँ, और ये जो है ये सारी चीजें उधर रखेंगे, और बाकी जो है मैं सोच रहा हूँ अब न्यू चीज़ हम सोच रहा हूँ कि अब तो यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लकड़ी का ना, लकड़ी का किचन बनवा लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो जगह रह रही है मतलब छोटा सा एक डिब्बा यहाँ वाला। हाँ, यहाँ पे मतलब वो दो डब्बे भी बना देना, यहाँ तक एंड करेगा दरवाजे तक, मतलब यहाँ पे, तो किचन हमारा कैसा लगेगा फिर, उधर डिब्बा हो जाए उसमें बेशक आटे की थैली रख दो या कोई चीज। हाँ, उधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ उधर से ना, मैंने कल सोचा उधर से ना वो रखूंगी गुलदस्ता फूल वाला, और यहाँ पे जो है ना ये जो जगह रहती है ना इस पे भी फूल का गुलदस्ता, और इस पे भी कैसा लगेगा फिर, बहुत प्यारा लगेगा। और ये जो जगह बची हुई है ना यहाँ पे मैंने लगवाने हैं वो दूसरे वॉलपेपर जो मतलब ऊपर जो है किचन वाली चीजें छपी होंगी। सही है, सही अच्छी है सोच है। तो चलें जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हम इस घर को लगाते हैं लाख शाख वगैरह, दिल हो गया मेरा और लाख शाख लगा के, दिल तो हो गया, जब सफाई करोगी फिर भी इतना बड़ा दिल करना पड़ेगा। वैसे भी मैं स्मार्ट होना चाहती हूँ, सब बहन भाई कहते हैं सब ज्यादा हेल्दी होगी, तो इंशाल्लाह जब एक हफ्ता इसकी सफाई करूंगी मैं भी हेल्दी हो जाऊंगी और इंशाल्लाह घर भी साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। और तकरीबन हमारी यकुम को जो है वो हमने एक मासी जो है वो चॉइस कर ली थी, एक मासी जो है वो हमारे घर में यकुम को आनी थी, लेकिन फिर जो है वो नहीं आ सकी, तो इंशाल्लाह तकरीबन देखें 5-6 डेट तक ना इंशाल्लाह वो भी आ जाए, हमारे काम करने वाली भी आ जाएगी। तो सबा की हेल्प करवाने के लिए मैंने काम वाली भी रख ली है इस घर में, स्पेशल इस घर में रखी है कि इस घर को हमने मिट्टी नहीं होने देना, इस घर की हमने सेटिंग नहीं खराब होने देनी, इस घर को हमने साफ सुथरा रखना है इंशाल्लाह ताला। तो मैंने काम वाली भी इंशाल्लाह सिलेक्ट कर ली है, सबा को पता है सारा, तो इंशाल्लाह 5-6 डेट को वो भी आ जाएंगे, हमारे शिफ्टिंग से पहले ही आ जाएंगे तकरीबन इंशाल्लाह। हाँ जी, तो चलें अभी कुंडे वगैरह लगा, हसन रो रहा होगा, आप कुंडे वगैरह लगाएं। मैं लकड़ी लेने आई थी रोटी पकाने के लिए, मैंने कहा हसन खेल रहा मैं जल्दी से जो है ना रोटी बना लूं। अच्छा, फिर मुझे आपने बुला लिया। चलो तो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है आप हमें दें इजाजत, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, साहब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।